काहे कि उसने चिट्टा बनने से मना किया, फिर शिकार करने से, फिर मांस खाने से मना किया। हम कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। काहे कि हमको उसमें खून दिखता है जो तुम में हुआ करता था। हमरे बाद चिट्टा समुदाय का मुखिया बनने का गुण, मुखिया बनने का। पर तू शेरी छोकरी गीता के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लिया। अब तुम्हारा बेटी वो स्कूल और शिक्षा के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लेगी। पूरा चिट्टा बस्ती को बगावत में डालना चाहती है, उससे बगावत करना चाहती है। नहीं दादा, वो बच्ची अभी दादा, बच्ची अभी दादा। की सोच के चुप रहा है, बच्चा समझ के गोद का ले लिए, वो तो हमरे मूंछ का बाल उखाड़ने लगे। रेहू जो चाहेगी वही करेगी का। कचौड़ी लगा धक्का। तुम्हारे बाप को हम वचन दिए थे, हमारा भाई है ना शंकर, उसको हम वचन दिए थे कि उसके परिवार का कौनो कीमत पे रक्षा करेंगे, पर बस्ती की बर्बादी की कीमत पे नहीं। अभी हम तुम्हारी झोपड़ी में तुम्हें समझाने आए हैं, जग्गू को काबू में रख, उसे चिट्टा बना, चिट्टा बना, सरकार का और जंगल का कायदा कानून समझा, नहीं तो मैं दत्ता से दुर्जन बनने में तेरी नहीं लगेगी। अच्छे से जानता है तू। हम समझाएंगे जग्गू को, बच्चे उसके साथ कुछ मत करना दादा, उसको स्कूल का और शिक्षा का पाठ पढ़ाई है ना उल्टा उसके दिमाग में निकलवा देगी दादा, जग्गू कुछ मत करना दादा, मम्मा से हम मिलेंगे दादा, हम मिलेंगे उसकी मम्मा से दादा, मिलेंगे उसकी मम्मा से दादा। बाबा तुम सबसे अच्छे हो, तुम मम्मा से मिलोगे, तुम कितने अच्छे हो बाबा, तुमने दादा को भी मना लिया। दादा आप भी बहुत अच्छे हैं कि आपने बाबा की बात मान ली। जय राम जी की।